Welcome back to my channel. This is your Modipa here and you are watching Heartcraft Station. So today I am back with another DIY video. इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप घर पे इजीली एक लैम्पशेड तैयार कर सकते हो, वो भी बहुत ही लिमिटेड मटेरियल से. एंड मैं आपके साथ हर एक स्टेप, हर एक प्रोसेस मैं शेयर करने वाली हूँ. सो वॉच इट टिल द एंड एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले आपको चाहिए ऐसा एक लैम्प शेड. मेरे पास बहुत पहले से ये था तो सोचा कि इसे ही रिवैम्प कर लूँ. ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो. नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस ओल्ड क्लॉथ. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर. क्योंकि ये बहुत पुरानी थी तो कपड़ा निकालने के वक्त थोड़ा बहुत साइड से टूट गया, तो इसे जोड़ने के लिए मैंने लिया है एमसिल. जो जो जगह मुझे लगा कि टूट सकता है वो मैंने सील कर दिया है सो दैट इट बिकम स्ट्रॉन्ग. नाउ आई एम टेकिंग दिस व्हाइट एक्रेलिक कलर. इस पूरी स्ट्रक्चर को अब हम कोट करेंगे ताकि इसमें जंग ना पड़ जाए. अभी पूरी तरह से ड्राई हो चुका है. नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस क्लॉथ टू कवर दिस एंटायर लैम्प शेड. आप चाहो तो दूसरा कोई भी कलर का कपड़ा ले सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू. बट आई हैव चोजन दिस कलर बिकॉज येलो एक ऐसा कलर है जो लैम्प शेड पे बहुत अच्छा सूट करता है एंड आई पर्सनली रियली लाइक इट. तो पहले हमें इसे एक साइड से चिपकाना है यूजिंग फैब्रिक ग्लू, देन दूसरा साइड इसके ऊपर लाके स्टिक कर देना है. ध्यान रहे आपको फैब्रिक ग्लू का ही इस्तेमाल करना है, इसमें आप ग्लू गन बिल्कुल यूज मत करना, नहीं तो बीच बीच में लम्स आ सकते हैं. ओके, अब ये जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है इसे मैं कट कर दूंगी. अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिक कर दूंगी कुछ इस तरह से. मेक श्योर कि आप इसे थोड़ा टाइटली स्टिक करें सो दैट ये जो कपड़ा है वो लूज लूज ना रह जाए. सो दिस इज डन. बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद इट क्योंकि कपड़ा बहुत ही ज़्यादा थिन लग रहा था, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर सिमिलर वे में एक और कपड़ा लगा दिया. नाउ इट्स लुकिंग परफेक्ट गाइज, आप खुद ही देख सकते हो द डिफरेंस. नाउ इसे एनहेंस करने के लिए नीचे से मैं लगाऊंगी दिस ब्यूटिफुल लेस. तो जहाँ पे इसका जॉइंट है वहाँ से मैं लगाना स्टार्ट करूँगी. इसे चिपकाने के लिए आप ग्लू गन डेफिनेटली यूज कर सकते हो, नो इशू. क्योंकि हॉट ग्लू से बहुत ही जल्दी जल्दी चिपक जाता है, इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम. All right guys, so our lampshade is completely ready. So let's move to the second part, जहाँ पे I am gonna show you how to make hole on glass bottle. क्योंकि इस lampshade को बनाने के लिए this step is very very important. तो इसके लिए चाहिए आपको this type of glass bottle, एक cardboard का piece and a cello tape. एक और important बात, ग्लास के लिए ड्रिल बिट अलग होता है एंड बाकी सरफेस के लिए अलग. आई विल अटैच द पिक्चर ओवर देयर ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिले. तो मेक श्योर कि आप उसी ड्रिल बिट का इस्तेमाल करेंगे. अब जहाँ पे होल करनी है
वो जगह मार्क करके डू द सिमिलर प्रोसेस। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप बॉटल को किसी सॉफ्ट कपड़े के ऊपर प्लेस करना, लाइक टॉवल एसेट्रा, सो दैट इट डजेंट मूव मच। नाउ आई एम एडिंग सम वाटर, आपको बीच बीच में पानी देना नहीं भूलना है। हो सकता है आपके घर में ड्रिल मशीन ना हो, तब आप हैंड ड्रिलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखूंगी। सो इट्स डन, नाउ वी विल क्लीन दिस बॉटल बिकॉज क्लीनिंग इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। नाउ मूव टू द फाइनल पार्ट, अब मुझे इस बॉटल में थोड़ा बहुत डेकोरेशन करनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है वॉल पुट्टी, यू विल गेट इट इन एनी हार्डवेयर शॉप। नेक्स्ट मैंने लिया है वाटर, इसे थोड़ा थोड़ा करके हमें मिक्स करना है। So this should be the consistency. Now I have taken this palette knife. इसकी मदद से आपको थोड़ा थोड़ा करके इस बोतल में वॉल पुट्टी लगानी है, like this. Keep repeating the same process until it's done. ध्यान रहे आपको इस होल को बस कवर नहीं करना है, rest you do the same. Well, now I have taken this brush. इसका जो end point है उसकी help से ऐसा एक pattern बनानी है, like rose. मुझे तो बड़ा मजा आया इसे करने में, आप भी जरूर इसे try करना, and don't forget to tag me on Instagram अगर आप इसे try करते हो तो. Now let it dry and set for 24 hours. सूखने के बाद it will look something like this, and wow, look at the texture guys, it's amazing. तो अब हम इसे कलर करेंगे, इसके लिए मैंने acrylic कलर लिया है. To make it dark chocolate brown color, मैंने brown and black acrylic color का इस्तेमाल किया है. Mix it well. Now take any sponge or brush, जो भी आपके पास available है, and इस तरह से color करते जाना है. Color करने के बाद next मैंने लिया है indigo का metallic emulsion. इसे मैं dry brush की help से हल्के हाथों से strokes दूंगी, like this. ये जो shine है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है. Wow, I just love the way it turned out. Now move on to the last part. अब इसमें फिट करनी है wires and all. इसके लिए I have taken this bulb holder. इसे हमें ऊपर से ऐसे प्लेस करना है. But before that, we need to fix the wires first. Wires को हमें इस hole में से डाल के ऊपर से इसे निकालना है, like this. Now, जिन्हें नहीं आता कैसे होल्डर्स पे वायर्स प्लेस करना है, यू कैन वॉच दिस पार्ट सो दैट यू कैन डू इट बाई योर सेल्फ, अदरवाइज यू कैन स्कीप दिस पार्ट. Now, इस होल्डर को फिक्स करने के लिए आई हैव टेकन दिस एमसील,
नाउ मिक्स बोथ द पैकेट्स, जितना आपको चाहिए उतना ही मिक्स करो बस, एंड इस तरह से स्टिक करना है। सो दिस इज डन। इसके दूसरा एंड को भी मैं प्लग के साथ कनेक्ट कर दूंगी। ओके, नाउ इट्स टाइम टू प्लेस इट। सबसे पहले आप लैम्प शेड के बीच में जो स्पेस है वो होल्डर पे डालना है, एंड देन प्लेस द बल्ब ऑन द टॉप ऑफ इट। नाउ स्विच ऑफ द लाइट्स एंड हियर इज द लैम्प शेड रेडी।